हेलो एवरीवन, पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा कि आप किस प्रकार से गेम विंडो को स्टेबल करते हैं और उसके अंदर कोई कलर फिल करते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में आप देखेंगे कि आप अपनी गेम विंडो में कोई भी शेप कैसे जनरेट कर पाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा कोड था, ये हमने पिछली बार देख चुका था। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स देख लीजिए, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने कलर बनाया हुआ है, ओके, और फिर ये हमारा गेम लूप है और गेम लूप के अंदर हम इवेंट डिटेक्ट कर रहे हैं और फिर हम अपनी गेम सरफेस को ग्रीन कलर से फिल कर रहे हैं और अपने गेम के डिस्प्ले को अपडेट करते जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि हम शेप कैसे बना सकते हैं। तो तीन शेप बनाना मैं सिखाऊंगा आपको, लाइन, सर्कल और रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं पाई गेम में लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। पाई गेम में शेप बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपकी ज्योमेट्री समझना होगा। ये हमारा गेम विंडो है, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का, ये हमारी गेम विंडो है। ओके, किसी भी जीयूआई में एक एक्स एक्सेस होती है और एक वाई एक्सेस होती है। एक्स एक्सेस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वाई एक्सेस मतलब वर्टिकल एक्सेस। देखिए, हमने अपना गेम विंडो डिजाइन किया था कि 0 से 500 तक जाए एक्स एक्सेस में और वाई एक्सेस में भी 0 से 500 तक जाए। तो 0 0 ये जो पॉइंट होता है हमारा, ये ओरिजिन होता है और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल इस तरफ मूव करते हैं तो एक्स की वैल्यू बढ़ती है और यहाँ से हम वर्टिकली नीचे मूव करते हैं तो वाई की वैल्यू बढ़ती है। अब किसी भी लाइन को बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत रहती है। यहाँ पे एक पॉइंट है आपका और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो अब हम ये लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे कि जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता हो। पहला कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो हम पाई गेम की विंडो में आ जाते हैं और हमारा जो गेम लूप है उसके अंदर हम अब लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको लिखना होगा पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट लाइन, फिर ब्रैकेट में आपको देना होगा किस सरफेस में। तो हमने जो सरफेस बनाई थी हमारी, ये देखिए हमारी जो गेम सरफेस थी इसमें हम ड्रॉ करना चाहेंगे, तो वो आपको देना होगा यहाँ पे। तो आपको लिखना होगा पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट लाइन, फिर इसके अंदर आपकी सरफेस का नाम, हमने अपनी सरफेस का नाम गेम सरफेस दिया था। इसके बाद आपको कलर बताना होगा। तो देखिए, तो हम इसमें अगर व्हाइट कलर की लाइन बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ लिखना होगा व्हाइट, और ये व्हाइट कलर हमने ऊपर पहले ही बना चुका था। इसके बाद आपको स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स देने रहते हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा ये टपल के फॉर्म में हम देते हैं। तो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स मैं लिख देता हूँ कि एक्स की वैल्यू 100 और वाई की वैल्यू 20। फिर कॉमा के बाद आपको एंडिंग कोऑर्डिनेट्स देना होता है, मतलब x2 y2। तो एक्स की वैल्यू हम लिख देते हैं 100 और वाई की वैल्यू हमें बढ़ाना पड़ेगा तो वाई की वैल्यू हम लिख देते हैं 150। लास्ट पैरामीटर आपका ऑप्शनल है, इसमें हमें विड्थ बतानी रहती है, जो लाइन है उसकी विड्थ कितनी है। तो यहाँ विड्थ मैं 10 पिक्सल्स रख देता हूँ। तो ये जो हमारी लाइन है इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो ये देखिए पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट लाइन, ये एक लाइन ड्रॉ करेगी। कहाँ ड्रॉ करेगी? गेम सरफेस पे ड्रॉ करेगी। किस कलर की ड्रॉ करेगी? व्हाइट कलर की ड्रॉ करेगी। x1 y1 की वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है, x2 y2 की वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है, और ये जो पैरामीटर है ये विड्थ का रहता है, ऑप्शनल पैरामीटर, ये बताएगा कि आपकी लाइन कितनी मोटी होगी। तो अब ये हम इसको रन करते हैं। तो ये देखिए, ये आपकी ग्रीन कलर की विंडो थी और ये आपकी लाइन बन के आई है। तो ये हमारा ये पॉइंट x1 y1 है, ये पॉइंट हमारा x2 y2 है, और ये जो विड्थ है, विड्थ हमारी 10 पिक्सल की है। विड्थ अगर मैं चेंज कर दूं, 10 की जगह 50 कर दूं, तो अब हमारी लाइन जो रहेगी वो काफी मोटी रहेगी, आप देखिएगा, ये देखिए। तो इस प्रकार से आपने सीखा कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अब हम देखते हैं पाई गेम में सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो हमारा गेम विंडो है इसके अंदर जब भी हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आपको कौन कौन से पैरामीटर बताने रहते हैं। कोई भी सर्कल रहता है उसका एक सेंटर रहता है, तो आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट देने होंगे, मतलब सेंटर कहाँ पे आएगा, उसकी एक्स वैल्यू और उसकी वाई वैल्यू। साथ में आपको रेडियस बताना होगा कि आप कितना बड़ा सर्कल बनाना चाहते हैं।
इसके साथ आपको ये भी बताना होगा कि ये जो सर्कल है इसकी विड्थ कितनी आप चाहते हैं। तो तीन पैरामीटर हम बताते हैं सर्कल ड्रॉ करते टाइम, पहला उसका सेंटर, दूसरा उसका रेडियस, तीसरा उसकी विड्थ। अब हम आ जाते हैं अपने पाई गेम में। तो देखिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए आपने लिखा था पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट लाइन। ओके, सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको लिखना होगा पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट सर्कल। कहाँ ड्रॉ करना? हमको गेम सरफेस में ड्रॉ करना है, इसलिए पहला पैरामीटर हमारा गेम सरफेस आएगा। दूसरा किस कलर का? तो हम लिख देते हैं व्हाइट कलर का, तो दूसरा पैरामीटर व्हाइट। फिर हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट देने हैं। देखिए, हमारी गेम विंडो 500 बाय 500 पिक्सल्स की है, तो सेंटर कहाँ हुआ? 250 बाय 250। तो यहाँ पे मैं एक्स और वाई की वैल्यू लिख देता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा जो सर्कल बने वो एकदम सेंटर पे बने, इसलिए मैंने 250 क्रॉस 250 लिखा। ओके, तो सेंटर हो गया। इसके बाद आपको बताना होगा रेडियस कितना। तो मैं चाहता हूँ 60 पिक्सल्स का रेडियस हमारा रहे, साथ में विड्थ भी आपको बतानी होगी, जो सर्कल की बाउंड्री है वो कितनी मोटी आप चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5 पिक्सल्स की चाहता हूँ। अब यह हमारा सर्कल ड्रॉ करने वाली कमांड पूरी हो चुकी है। मैं लाइन वाली कमांड को कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। तो हमारा एक सर्कल बनेगा, कहाँ बनेगा? गेम सरफेस पे बनेगा। किस कलर का? व्हाइट कलर का। उसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा। और उसकी रेडियस कितनी होगी? 60 पिक्सल्स होगी। और उसकी विड्थ कितनी होगी? बाउंड्री की विड्थ 5 पिक्सल्स। लेट्स रन। तो ये देखिए, एक सर्कल हमारा बना है और इसकी विड्थ हमारी 5 पिक्सल्स है। अगर आप विड्थ और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो 5 की जगह अगर मैं इसको 20 कर दूं, तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि 20 हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम सर्कल बनाते हैं पाई गेम में। तो अगला शेप हम देखते हैं कि रेक्टेंगल कैसे आप बना सकते हैं पाई गेम में। तो ये हमारी गेम विंडो है, अब हम इसमें ये रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं। तो पाई गेम में कौन कौन से पैरामीटर आपको ध्यान रखने हैं वो देखिए। जैसे ये हमारा एक रेक्टेंगल है, तो इसका ये वाला जो कॉर्नर है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स आपको देने रहते हैं, ठीक है? तो एक ये पैरामीटर आपको देना रहता है। दूसरा आपको बताना रहता है कि आपके रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, विड्थ मतलब आपका रेक्टेंगल कितना चौड़ा है। साथ में आपको बताना रहता है कि आपके रेक्टेंगल की हाइट कितनी होने वाली है। तो कौन कौन से पैरामीटर हम देने वाले हैं? सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होगा आपका रेक्टेंगल बनना? तो टॉप लेफ्ट के कोऑर्डिनेट आपको देने होंगे एक्स वाई। फिर उसके बाद आपको विड्थ बतानी होगी और हाइट बतानी होगी। अब हम पाई गेम में आ जाते हैं। तो देखिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए आप लिखते थे पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट लाइन। सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप लिखते थे पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट सर्कल। इसी प्रकार अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा तो आप लिखेंगे पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, इसलिए मैं लिखूंगा पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट। अब इसके अंदर हमें पैरामीटर देना होगा। पहला आएगा पैरामीटर कहाँ पे आपको रेक्टेंगल बनाना है, तो हम गेम सरफेस पे रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं। दूसरा पैरामीटर आएगा किस कलर का, तो हम व्हाइट कलर का ही बनाना चाहते हैं। इसके बाद तीसरा पैरामीटर, आपको चार चीजें देनी रहती है, टॉप लेफ्ट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, साथ में विड्थ और हाइट। तो मैं एक्स के कोऑर्डिनेट देता हूँ 100, वाई का कोऑर्डिनेट मैं सेंटर में ले आता हूँ थोड़ा, तो वाई का कोऑर्डिनेट 250 दे देता हूँ। इसके बाद विड्थ में दे देता हूँ 50 पिक्सल्स और हाइट में दे देता हूँ 40 पिक्सल्स। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बनाएगा गेम सरफेस पे, किस कलर का? व्हाइट कलर का, जिसके एक्स के कोऑर्डिनेट ये रहेंगे, वाई के कोऑर्डिनेट ये रहेंगे, और उसकी विड्थ रहेगी 50 पिक्सल्स और उसकी हाइट रहेगी 40 पिक्सल्स। लेट्स रन। तो ये देखिए, एक रेक्टेंगल बन गया। अभी इसमें हमने तीसरा जो हमारा ऑप्शनल पैरामीटर था, जिसमें हम हमारे शेप की बाउंड्री डिसाइड करते, वो नहीं दिए थे। वो अगर हम देंगे तो ये हमारा परफेक्ट रेक्टेंगल आपको दिखेगा। तो अगला पैरामीटर मैं थिकनेस ऐड कर देता हूँ। थिकनेस बताएगा हमारा जो रेक्टेंगल रहेगा उसकी बाउंड्री कितनी मोटी होने वाली है। तो यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ कि 5 पिक्सल्स की बाउंड्री मैं चाहता हूँ। तो अब मैं रन करता हूँ। तो ये देखिए, एक रेक्टेंगल हमारा बना है जिसकी बाउंड्री हमारी 5 पिक्सल्स की है। तो अब इस 5 पिक्सल्स की जगह मैं अगर 10 कर दूँ तो हमारी बाउंड्री जो रहेगी वो थिकनेस बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में आपने देखा कि किस प्रकार से आप पाई गेम में लाइन, सर्किल और रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं।
अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे किस प्रकार से कोई इमेज को पाई गेम में लाया जाता है। जैसे आप चाहते हैं कि आपके गेम में कार आए तो कार की इमेज कैसे आप ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके गेम में मिसाइल हो तो मिसाइल की इमेज कैसे आप ला सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।